हेलो दोस्तों, श्री कुंज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शशि, ये मैंने कुछ किचन वेस्ट से खाद बनाई थी, लेकिन जिस मैंने बैग को यूज किया था, ये प्लास्टिक बैग को, देखने इसमें क्या क्या ग्रो हो गया। ये बारिश का पानी था, ये मैंने इसमें रख दिया था, और ये क्या क्या निकल के आ गया। ये ना तो इसमें कोई सीड डाला मैंने, ना कोई इसमें कटिंग लगाई, और फिर इतने सारे प्लांट कहाँ से आ गए। ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग बात है। ये देखो, ये मेरा ना ये पॉलीथिन थी, ये फ्रूट की पॉलीथिन थी, इसमें पहले से ही होल काफ़ी हो रहे थे, तो इसमें मैंने एक लेयर मिट्टी की और एक लेयर मैंने सब्जी के छिलकों की, ऐसे लेयर बाय लेयर डाले थे इसमें। ये मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। इसमें ये सिंगोनिया हमारा, और ये वाइट पिटूनिया के प्लांट है ये इसमें, देखिए दोस्त क्या क्या निकल के आ गया ये इसमें। ये तो सिंगोनियम है, ये देखो कितने सारे प्लांट्स निकल जाएंगे इसमें। ये देखो, ये सिंगोनियम आ गया, ये मिट्टी भी है इसमें, और वेजिटेबल की इसमें खाद है। ये देखो, ये रूट देखो, ये कितने मोटे रूट है ये, क्यों ना होगी जब इतनी अच्छी इनको खाद मिली है, क्यों ना इनकी इतनी अच्छी रूट होगी। देखना कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ये। ये देखो ये वेजिटेबल और मिट्टी की मैंने ये खाद तैयार करी थी, और उसका ये रिजल्ट, ये देखो, ये प्लांट निकल के आए हैं। मैं तो सोच रही हूँ अलग क्या करूँ, रहने दूँ इसे गमले में, रिपोर्ट कर लूँ इसको, मिट्टी भी है इसमें, खाद तो है इसमें, तो एज इट इज को कर लेती हूँ। ये जो है वाइट पिटूनिया, ये मेरे हर गमलों में मिलेगा, ये इसके बीज झड़ जाते हैं। तो क्या ये मैंने काम सही किया, मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो इसकी रूट देख के हैरान हूँ, देखना इतनी मोटी मोटी रूट आ रही है इसकी। ये सिंगोनियम की रूट है ये देखो कैसे निकल के आ रहा रूट में से, ये छोटा सा सिंगोनियम। ये देखो तो गाइस, मैं इनको अलग नहीं कर रही हूँ, और मैं तो ऐसे ही इसको गमले में रिपोर्ट कर रही हूँ, बाकी इसकी एक्स्ट्रा रूट हटा देती हूँ मैं। ये और अब मैं ये रिपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैं एक प्लांट देख रही हूँ, इसमें ये नींबू का प्लांट लग रहा है ये मुझे, इसको मैं अलग करूंगी। मैंने अलग कर दिया, और अब मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। ये मेरी गमले की पुरानी मिट्टी है पहले की, खाद में इसे मिलाऊंगी नहीं, क्योंकि इसमें पहले की किचन वेस्ट काफी था। ये देखिए, तो हमारे पास ऐसे प्लांट भी निकले आते हैं कि जो कि हम ग्रो भी नहीं करते हैं, ना सीड डालते ना कटिंग, और ये ऐसे हमारे निकल गया किचन वेस्ट में। इसको मैं अलग पॉली बैग में करूंगी। ये मेरा है वाइट पिटूनिया, इसको मैं इसी में करूंगी ग्रो। ये
अब काफी फूल देगा ये। देखिए मेरा बारिश का पानी है इसमें, पहले पानी डाल दिया। तो ये मैंने अपने किचन वेस्ट से ये तैयार किया। ये अब भी रोज इतनी मोटी मोटी इसमें दिख रही है, ये देखना। अब ये मिट्टी, ये भी काफी मेरी हेल्दी मिट्टी है, इसको मैं ये नींबू का प्लांट इसमें रोपूंगी, क्योंकि मेरा एक बोनसाई का प्लांट है, ऑरेंज कह लो या मौसमी, ये मेरा बोनसाई इसमें मौसमी या नींबू है, इसमें ये नींबू तो नहीं है, बोनसाई मौसमी है, ये फ्लेवर इसका ऑरेंज जैसा आता है इसमें। और ये देखना कितना उड़ के आया हुआ, ये भी मेरा काफी पुराना प्लांट है ये। और ये मैं पॉली बैग में ये कर रही हूँ नींबू वाला, ये नींबू का अभी मैं इसमें ग्रो कर रही हूँ, और जब ये बड़ा हो जाएगा फिर मैं इसको उसमें कर दूँगी। गाइस मेरा नींबू का था ये, और ये मिट्टी मेरी किचन वेस्ट की मिट्टी थी ये। ये देखिए ये मैंने इसमें नींबू का पौधा कर दिया, बाकी इसका रिजल्ट और बड़ा होगा मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी फिर इसकी। अब इसको और बड़ा होने देते हैं। और कुछ किया ये वाला प्लांट, तो इसको इसमें डाल देते हैं। ये देखिए ये मेरा रिपोर्ट हो गया, लीव्स देखिए कितने बड़े बड़े हैं इसके, अभी तो और ग्रो करेगा इसके पीछे से लीव्स। तो कैसे लगा आपको ये किचन वेस्ट के, ये जो मेरे अननेसेसरी प्लांट जो मैंने ग्रो नहीं किए थे और ये इतने बड़े बड़े ग्रो हो गए हैं बिना कटिंग के बिना सीड, कमेंट करके बताइएगा मुझे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। धन्यवाद।